सो गाइस फाइनली हमने लॉन्च कर दिया है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिस सॉफ्टवेयर का यूज करके आप बल्क मैसेज सेंड कर सकते हो और ऑटो चैट बोर्ड का ऑप्शन यूज करके अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हो। गाइस उस सॉफ्टवेयर का नाम है बॉट मास्टर। बॉट मास्टर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बाकी व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर से बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि गाइस ये जो सॉफ्टवेयर है वो बीटा वर्जन पे वर्क करता है। बीटा वर्जन का बेनिफिट क्या होता है कि यदि आपका फोन स्विच ऑफ है तब भी आपके फोन का मैसेजेस जाता रहेगा, ऑटो रिप्लाई जाता रहेगा। एंड इसका मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आपका नंबर कभी ब्लॉक नहीं होता है। ठीक है गाइस, आप देख सकते हो ये जो सॉफ्टवेयर है अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, 4 अप्रैल को लॉन्च हुआ, 4 अप्रैल 2022 को ये लॉन्च हुआ है। एंड फ्रेंड्स इसका जो पॉजिटिव फीडबैक है वो मार्केट से बहुत अच्छी आ रही है, इसका यूज बहुत सारे लोग करने लगे, मार्केट में ये अभी बहुत चल रहा है। सो आप भी इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करो। अगर आपको इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करना है तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा गाइस तो आप हमें इस दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं और हमारी टीम आपको हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस सॉफ्टवेयर का यूज़ आप अपने बिजनेस के लिए कैसे करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये हमारा बॉट मास्टर का डैशबोर्ड है जहाँ पे सारे ऑप्शंस अवेलेबल है और यहाँ से हम सारा वर्क करेंगे जिससे कि हमारा बिजनेस एक्सपेंड हो। तो फ्रेंड्स इसमें जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है वो ओपन व्हाट्सएप का। इसका मीन्स क्या होता है कि जब भी आपको इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करना होगा तब आपको अपने व्हाट्सएप अकाउंट से लिंक करना होगा। आपको जिस भी व्हाट्सएप अकाउंट से इसको यूज़ करना है आपको यहाँ पर लिंक करना होगा। सो गाइस आपको ओपन व्हाट्सएप पे क्लिक करना होगा। जैसे आप ओपन व्हाट्सएप पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको आपका व्हाट्सएप वेब शो होगा। आपको सबसे पहले बीटा ज्वाइन करना है। बीटा ज्वाइन करने के बाद फ्रेंड्स अभी आपको यहाँ पे जिस भी अकाउंट से आप लिंक करना चाहते हो, दैट मीन्स एक्टिविटी करना चाहते हो बल्क मैसेज ऑटो सेंडिंग का, उस अकाउंट से आपको इसको स्कैन कर लेना है। फिर जैसे स्कैन करोगे, स्कैन जैसे कंप्लीट होगा आपका व्हाट्सएप अकाउंट इस सॉफ्टवेयर से लिंक हो जाएगा जहाँ से आप बल्क मैसेज सेंड कर सकते हो एंड ऑटो रिप्लाई का ऑप्शन सेट करके अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हो। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इसको स्कैन कर लिया है, अभी जो मेरा अकाउंट है इसमें ऐड हो चुका है। ठीक है, ऐड करने के बाद फ्रेंड्स इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ ये समझ के। अब फ्रेंड्स जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है न्यू कैंपेन का। दैट मीन्स फ्रेंड्स आप एक साथ बहुत सारे कैंपेनिंग सेंड कर सकते हो। जैसे कि आपने एक कैंपेन चलाया, उस कैंपेन में आपने 100 लोगों को सेंड किया, इस तरह से आप दूसरा कैंपेन में 100 लोगों को ऐड करो, इस तरह से आप एक साथ कई कैंपेन ऐड करके रन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है नंबर्स फिल्टर का। नंबर्स फिल्टर्स का मतलब क्या होता है कि गाइस अगर आपके पास बहुत सारे नंबर्स अवेलेबल है पहले से तो उसमें आप फिल्टर कर पाओगे कि कौन सा नंबर व्हाट्सएप अकाउंट से लिंक है और कौन सा व्हाट्सएप अकाउंट से लिंक नहीं है। आप यहाँ से उसको फिल्टर करके उसको बल्क मैसेज सेंड कर सकते हो। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है रिसीव मैसेज को, कितने लोगों ने मैसेज रिसीव किया सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, कौन कौन लोग रिसीव किया उसको आप फिर से दूसरा कैंपेनिंग करके उसको रीमार्केटिंग कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है सेल कैंपेन। दैट मीन्स आपने कितने कैंपेन सेंड किया सारा हिस्ट्री आपको इस सेक्शन में पता चलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ऑटो रिप्लाई का। दैट मीन्स यहाँ पे आप एक बार ऑटो रिप्लाई सेंड सेट कर देते हो तो गाइस ऑटोमेटिक आपका बिजनेस रन होती रहता है। जैसे कि आपका अगर कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, तो कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहता है व्हाट्सएप से, तो जैसे आप बल्क मैसेज सेंड करोगे तो वहाँ पे आएगा कि अगर किसी ने किसी को प्राइस जाना, जैसे वो प्राइस सेंड करेगा आपको तो ऑटोमेटिक उसको रिप्लाई जाएगा प्राइस का, क्या प्राइस है। अगर उसको परचेज करना रहेगा तो ऑटोमेटिक उसको बाय का लिंक जाएगा, जैसे वो लिंक पर क्लिक करेगा वो डायरेक्ट आपके वेबसाइट पर लैंड हो जाएगा, वहाँ से वो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है ऑटो रिप्लाई। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो रिप्लाई रूल्स का। दैट मीन्स ऑटो रिप्लाई कैसे काम करता है, क्या क्या उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं वो सारा सेट करने पड़ते। उसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रुप ग्रैबर का। अगर आपके पास ग्रुप्स है तो ग्रुप का कॉन्टैक्ट आप उसमें से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिस ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ एडमिन ही मैसेज सेंड कर सकते हैं, आप मैसेज नहीं सेंड कर सकते हो, उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, उस ग्रुप का कॉन्टैक्ट आप एक्सपोर्ट करके उसको बल्क मैसेज सेंड कर सकते हो। ये फ्रेंड्स सारे ऑप्शंस हैं इसमें अवेलेबल जिसका यूज़ आप कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि इस सॉफ्टवेयर से बल्क मैसेज कैसे सेंड करेंगे। फ्रेंड्स बल्क मैसेज सेंड करने के लिए सबसे पहले हमें डेटा का यूज़ पड़ेगा कि डेटा इसमें कैसे लाएंगे। तो डेटा लाने के लिए आपको सिंपली इस
आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा। इस पे क्लिक करने के बाद फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होंगे कि इंपोर्ट फ्रॉम फाइल, फाइल अगर आपके पास है तो फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं, मैनुअल इंपोर्ट कर सकते हो, सिंपली अगर आपको टाइप करना है तो टाइप कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन अवेलेबल है, आप इसको अच्छा से यूज कर सकते हो। सो अभी मुझे डेटा लाना है तो डेटा लाने के लिए मैं मैनुअल इंपोर्ट्स पे क्लिक करूंगा। मैं मैनुअल इंपोर्ट्स पे इसलिए क्लिक कर रहा क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि फाइल्स यहाँ पे इंपोर्ट नहीं होते रहते हैं, ठीक है, या आपको टाइप करना रहता है, तो हम फाइल मैनुअल इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और जितना भी उसमें डेटा है सारे डेटा को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो भी डेटा है, मैं डेटा कुछ डेमो डेटा डाल देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे होता है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे डेटा डाल दिया। डेटा डालने के बाद अभी आपको यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करना। जैसे आप इंपोर्ट पे क्लिक करोगे आप देख सकते हैं आपका डेटा यहाँ पे आ चुका है, जिस जिस डेटा पे आप बल्क में से सेंड करना चाहते हो। सो डेटा डालने के बाद अभी आपको सब डेटा में कंट्री कोड ऐड करना पड़ेगा। जब तक कंट्री कोड ऐड नहीं करोगे तो उस पर बराबर मैसेज नहीं जाएगा, ठीक है। सो उसके लिए आपको फिर से इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे इंसर्ट कंट्री कोड पे आना है। इंसर्ट कंट्री कोड पे आने के बाद यहाँ पे आपको जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हो उस कंट्री का कोड यहाँ पे डाल दीजिए। मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया का कंट्री कोड यहाँ पे डाल दूंगा और यहाँ पे देख सकते हैं कि कंट्री कोड इंसर्ट हो चुका है। अब डेटा डालने के बाद अभी आपको यहाँ पे मैसेज रेडी करना है कि आप अपने कस्टमर को क्या मैसेज डिलीवर करना चाहते हो, क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या आपका प्रोडक्ट है, क्या सर्विस है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैसेज रेडी करना पड़ेगा। मैसेज रेडी करने के लिए गाइस आपको यहाँ पे इंसर्ट वेरिएबल पे क्लिक करना होगा और आपको यहाँ पे एक वेरिएबल सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए इंसर्ट वेरिएबल और वेरिएबल वन आपको ऑलवेज सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वेरिएबल वन जब भी आप मैसेज सेंड करोगे आपको वेरिएबल वन सिलेक्ट करना ही करना, उसके बाद आपका जो भी मैसेज है वो मैसेज आप यहाँ पे टाइप करो। जैसे मैं डालता हूँ हेलो देयर, ठीक है, तो आप यहाँ पे मैसेज टाइप कर दो। मैसेज टाइप करने के बाद फ्रेंड्स अगर आपको बोल्ड करना चाहते हो, टैली करना चाहते हो या कट करना चाहते हो, इमोजीज डालना चाहते हो तो उसका भी यूज़ कर सकते हो। मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। मैसेज के बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फाइल्स एंड फोटोज़ का। अगर आपको वीडियो सेंड करना है, इमेजेस सेंड करना है, पीडीएफ सेंड करना है या कोई फाइल सेंड करना है तो वो भी आप इजीली सेंड कर सकते हो। उसके लिए फ्रेंड्स आपको फिर से इस आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा। जो भी आपको सेंड करना है उसको आप सिलेक्ट कर लो अपने कंप्यूटर। जैसे मुझे वीडियो सेंड करना है, वीडियो पे क्लिक करूंगा। उसके बाद क्लिक करने के बाद आप जो भी वीडियो है वीडियो को सिलेक्ट करके इसको ओपन कर लूँगा, ठीक है, और इसको येस कर दूँगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो आ चुका है। तीनों चीज़ डालने के बाद दैट मीन्स डेटा, मैसेज एंड फाइल्स डालने के बाद अभी आपको सेंड का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो सेंड करने के लिए गाइस आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस दिखेंगे, एक स्केड्यूल सेंड और एक सेंड नाउ। दैट मीन्स अगर आप दो घंटे, चार घंटे, पाँच दिन, दस दिन के बाद सेंड करना चाहते हो तो एक बार अभी सेंड कर दोगे तो उस समय पर उसको ऑलरेडी मैसेज रिसीव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप अभी सेंड करना चाहते हो तो सेंड नाउ पे क्लिक करोगे। जैसे फ्रेंड्स सेंड नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन होंगे, एक सेफ मोड, एक ब्लाइंड मोड। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप सेफ मोड में सेंड करोगे तो जो भी आपका कस्टमर है उसका नंबर आपके मोबाइल में सेव होने चाहिए तो ही सेफ मोड में जाएंगे। अगर सेव नहीं है तो आप ब्लाइंड मोड में सेंड करो। आपका किसी का नंबर आपके मोबाइल में ऐड नहीं है, आप किसी का नाम ऐड करके नहीं रहते हो तो सबको ईजिली चला जाए, ठीक है। तो मैं ब्लाइंड मोड पे क्लिक करूँगा, ओके पे क्लिक करूँगा। जैसे फ्रेंड्स ओके पे क्लिक करूँगा तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारा जो भी डेटा था उस डेटा पे मैसेज डिलीवर हो चुका है। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स आई होप कि वीडियो आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बोल सकते हैं, आपका जो भी डाउट होगा मैं आपको हेल्प करूँगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।